बैम्बू आर्ट बनाने वाले हमीरपुर के करतार सोंकले को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने जाने से उनके घर में खुशी का माहौल है। सोमवार देर शाम को केंद्र सरकार ने इनके नाम की घोषणा की है। करतार सोंकले ने कहा कि काफी समय से उनको इंतजार था जो अब जाकर पूरा हुआ है, जिससे वे बहुत ज्यादा खुश हैं। करतार ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के अलावा साई राम शिव परिवार की मूर्तियां बोतल में बनाई हैं। करतार सोंकले हमीरपुर जिला के नोहंगे गांव का रहने वाला है और मार्च माह में एनआईटी हमीरपुर के स्वास्थ्य विभाग से वरिष्ठ फार्मासिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और करतार सोंकले को बचपन से ही कुछ अलग करने का शौक रहा है और वर्ष 2000 में मन में उठे एक शौक के चलते शीशे की बोतल में बांस से एक डिजाइन तैयार कर दिया और उसके बाद सिलसिला जारी रहा। अब तक सैकड़ों बोतल में विभिन्न कलाकृतियां बनाकर तैयार की हैं, जिसको देखकर लोग काफी प्रशंसा करते हैं। हालांकि करतार सिंह इन कलाकृतियों की प्रदर्शनी प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में भी लगा चुके हैं, जहां पर हर किसी द्वारा इनकी सराहना की गई है। बैम्बू आर्ट की कलाकारी कर करतार सोंकले ने शीशे की बोतल में ऐसी ऐसी कलाकृतियां बनाई हैं जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह जाता है। चाहे अस्तित्व खो रही धरोहरें हो या फिर चीजें या फिर मंदिर या मशहूर टावर, इन सभी को करतार सिंह सोंकले ने अपनी कला से बोतल के अंदर कैद कर दिया है। अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान करतार सिंह सोंकले ने पीएम मोदी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के अलावा साई राम शिव परिवार की मूर्तियां बोतल में बना डाली हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। करतार सोंकले ने बताया कि उन्हें दूरभाष पर जैसे ही सूचना मिली तो वे काफी खुश हुए। उन्होंने कहा कि काफी समय से उनको इसका इंतजार था जो अब जाकर पूरा हुआ है, जिससे वे बहुत ज्यादा खुश हैं। सर, जब जैसे मेरे को मतलब इसका कंफर्मेशन का फोन आया तो बहुत ही मतलब मन में खुशी हुई कि बयान करने के लिए उसमें बयान नहीं किया जा सकता इतनी ज्यादा मेरे को उसकी खुशी हुई। तो यही एक बहुत बड़ी ये थी मेरे लिए। और ये काफी टाइम से मैं इसके बारे में सपने लेता था कि कभी ये भी मेरे को मौका आएगा, मिलेगा, और वो आज पूरा हुआ है। इसमें से मैंने अपना इंडिविजुअल ही इसको ऑनलाइन रजिस्टर करवाया था और इसमें इसका कुछ भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ इसमें रिकमेंडेशन कोई नहीं थी। इसमें ये जो शुरू किया था मैंने, ये शौक से शौक के तौर पे किया था। ये किया था मैंने कोई 2000 के आसपास, लगभग 20 साल पहले। और फिर ये आस्ता आस्ता शौक जो था वो बढ़ता गया और आज मैं इस पे पहुंच गया इस मुकाम। करतार सोंकले ने बताया कि कलाकृतियां बनाने का शौक बचपन से रहा है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पीएम मोदी, सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की बोतल में कलाकृतियां बनाई हैं, जिन्हें बनाने के लिए घर पर ही बांस के सामान से तैयार किया गया है। फील्ड है, इसमें मैं ये बनाता हूँ बैम्बो मिनिएचर आर्ट करके है ये। इसमें मैंने मतलब जो हिमाचल की जो विलुप्त होती कुछ धरोहरें हैं उनको संजोया है। साथ में ये बॉटल के अंदर मैंने छोटे छोटे मिनिएचर बनाए हुए हैं बैम्बू की ही कार्विंग करके, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का भी है, इसमें अपने सीएम का भी, इसमें एक बोतल के अंदर बनाया मैंने, फिर महात्मा गांधी जी, गुरु नानक देव, बुद्धा, फिर एफिल टावर, शिव परिवार, हनुमान जी, बाबा बालकनाथ, बाकी और जो जैसे छोटे छोटे कुछ टेंपल हैं अपना जो शिमला में चर्च है रिज के ऊपर, उसका एक बॉटल के अंदर बनाया है मैंने। इस तरह काफ़ी ज़्यादा है मतलब मेरी जो ये है, तो इसी इसमें मेरे को ये जो अवार्ड दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैम्बू आर्ट युवाओं के लिए स्वरोजगार के रूप में विकसित किया जा सकता है और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में टूरिस्ट आते हैं तो सरकार अगर बैंबू निर्मित कलाकृतियों को बाजार उपलब्ध करवाती है तो इसे व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। पीढ़ी के लिए ये बहुत ही एक कारगर एक एम्प्लॉयमेंट का ये एक सोर्स बन सकता है, अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा इसको मतलब ये करे, थोड़ा सा बैकअप दे दो तो ये बहुत ही अच्छा एक सोर्स है। इसमें बच्चों बच्चे अगर इसको बनाते हैं तो गवर्नमेंट को सिर्फ ये करना है कि जो ये जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे इनको मतलब अपने इसमें ले ले परचेज करें, और ये जो हमारे टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे इनको उसके साथ जोड़ा जाए, जैसे बड़े बड़े होटल हैं उनके साथ कोई एक बाहर काउंटर सा बना दिया जाए, तो जो टूरिस्ट आएगा वो ज़रूर इनके ऊपर नज़र डालेगा और ख़रीदने की कोशिश करेगा, तो इससे गवर्नमेंट को भी फायदा है और बच्चों के लिए भी बहुत ही एक फायदा हो जाएगा, घर बैठे एक रोज़गार हो जाएगा। और इसके लिए मैं एक नई ये है, अभी सुजानपुर में 1 फरवरी से बैम्बो आर्ट पे एक वर्कशॉप लग रही है 2 महीने की स्किल डेवलपमेंट के तहत, जो प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई है, तो मैं वहाँ पे एज ए ट्रेनर जा रहा हूँ 2 महीने के लिए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करूं और उनको मोटिवेट करूं कि इसको चलाओ आप आगे। यह मेरा करतार सोंगले की पत्नी सुनीता ने बताया कि उनके पति काफी समय से उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन जैसे ही इसकी सूचना उन्हें मिली सारा परिवार खुश है और लगता है कि आज उनके पति के काम को सच्ची सराहना मिली है। उन्होंने कहा कि इन कलाकृतियों को बनाने में खर्च बिल्कुल नहीं किया और लोगों के द्वारा बेकार समझे जाने वाले बैंबू व शीशे की बोतलों का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि पहले तो इस तरह के काम करते हुए बेकार काम लगता था, लेकिन जब लोगों ने भी बहुत सराहना की और बांस के टुकड़े को तराश कर बोतल में कलाकृति बनाना कठिन काम है। ऐसा है, अवार्ड के बारे में तो जब सुना तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये अब सोचा ही नहीं था कभी कि इनको तो खैर उम्मीद थी, ये तो बहुत मतलब काम करते रहते हैं, हार्ड वर्कर हैं, काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, तो मुझे तो जब सुना तो बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। अवार्ड बड़े नसीब से मिलता है ऐसा। सर ऐसे है कि जैसे इन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, इसमें कॉस्ट तो कुछ नहीं लगी, बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं, जो बांस के मतलब हमारे आसपास मिल ही जाता है बांस, उसको ज़्यादा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है खरीदने की। और बाकी इन्होंने जो बॉटल्स लोगों ने फेंकी हुई होती हैं इधर उधर, पीते तो ये खुद है नहीं, लेकिन इन्होंने वो लेके उनका इस्तेमाल किया है बड़े अच्छे ढंग से, उसमें इंसर्ट की हैं ये चीज़ें। और जैसे हमारे ये जो होती है चील की होती हैं, चलाखड़ियाँ बोलते हैं हमारी अपनी भाषा में, तो उसको हम मोस्टली चलाने के काम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन्होंने इससे बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ जो हैं वो बनाई हैं। और मैं चाहूँगी कि जैसे इनको पद्मश्री मिला है, देश का ये 4th सम्मान जो है, तो बहुत गर्व की बात है, बड़ी खुशी हुई ये सब देख के। और अगली पीढ़ी के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो आगे आएं, इस चीज़ को सीखें, मोटिवेट हों, और मैं चाहूँगी कि हिमाचल के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो। करतार सिंह के बेटे केतन सोंगले ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें नई कलाकृतियों को बनाने के साथ ही विभिन्न अवार्ड के लिए अपने नाम भेजे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा सराहना भी मिली। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने पद्मश्री के लिए अपनी कलाकृतियों को नामित किया था, मगर आज उन्हें इसकी सूचना मिलने से सभी खुश हैं। बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए, और इसमें ऐसा है कि हम इस लॉकडाउन के पीरियड में इनको मोटिवेट करते थे, कुछ नए आइडियाज आते थे, जैसे मेरे मदर है, मेरी वाइफ है, तो हम वो आइडियाज निकाल के इनको बताते थे कि अब ये चीज करो, ये चीज करो। फिर उसके बीच में मुझे वैसे ही ध्यान आया कि क्यों ना मैं इस चीज को आगे किसी इस पे लेकर जाऊं, अवार्ड के लिए ट्राई करूं। फिर मैंने जैसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में बताया, सर्च किया मीडिया के थ्रू, फिर इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, फिर मैंने उसके थ्रू मतलब मैंने और पापा ने मिलके हमने अप्लाई किया इस पे। फिर जैसे जैसे आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, तो
फिर उसके बाद मेरे इस जहन में ऐसे ही आया कि पिछली बार जो है वो पद्मश्री का जो है वो रह गया था हमसे, तो क्यों ना इस बार हम इंडिविजुअली करके देखें, क्योंकि रिकमेंडेशन कोई भी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिर मैंने और फादर ने इंडिविजुअली हमने अप्लाई किया, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और गर्व की बात है पूरे हिमाचल और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए।